तो शाम के टाइम से खाना सर 7 बजे वो सारे तहसीलदार साहब और पटवारी साहब ने ले लिया, कोई बात नहीं सर, सब ले लिया। नहीं लेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा, पत्थर बन के पड़ा रहेगा। उससे अच्छी चीज मेरा माइंड, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है छोटी चीज बनाओ, मैनेजेबल बनाओ, उसके अंदर क्वालिटी ज्यादा डालो, वो करके ना चीज सस्टेनेबल होती है। वरना तो ये बड़े बड़े मैदान रहते हैं, कभी पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं नाला बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। मशीन तो इंतजाम हो जाएगा, बट ये जो सीख रहे हो इसका पर्पस मुझे नहीं पता, बताया गया कि नहीं, आप लोगों को सिलाई वगैरह मेरे ख्याल से पहले से आता है ना? Yes, तो हम चाह रहे थे कि लेदर को इंट्रोड्यूस कर, तो ये सब सीख जाएंगे। बट ये क्या मशीन, दोनों मशीन का है वो तो आज शाम तक हो बात हुई आपकी? हाँ बात हुई। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेक एक्सकवेटर आम आदमी नहीं चला सकता, यहाँ ट्रेन भी नहीं होंगे, यहाँ तो ट्रेन नहीं, सब बाहर के लोग हैं, कोई उत्तराखंड से है, कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से है, तो यहाँ के प्राइवेट पार्टी के पास है, उन्हीं से। जैसे ये वाला है, अब ये जैसे डिजास्टर के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। अब आपने तो ये डिपार्टमेंट पहली बार ज्वाइन किया है या? नहीं, पहले भी था, पहले भी। अच्छा ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये अगर डिजास्टर में मैंने यूज करना है, मेरा पर्पस दो चीजें हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का और एक आप लोगों का देखने का। तो डिजास्टर मैनेजमेंट छिटक छुटक के किसी घर में जाते हैं तो पूरा तोड़ देते हैं। लेकिन बस कितने ऊपर से आया होगा? 3-4 किलोमीटर ऊपर से नाला बहुत दूर है ना, इसका आप दो भाई है, उसमें भी घुसा है ऐसा ही, क्लियर किया अभी किया। जितनी आबादी कवर होती है उसकी कितनी तादाद है? फिफ्टी हाउस ढाई सौ के करीबन बंदे हैं। फोन होंगे मेरे ख्याल से 100 फोन होंगे।
अभी हमारे खेत सब सूख गए सर अभी वो कौन से अभी सर गांव के अपने